नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, अगर आप बाइक सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखा जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसर होता है इसमें, क्या क्या करना पड़ता है बाइक सीखने के लिए, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाइक सीखने जाते हैं तो बड़े फील्ड लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ दूर दूर कोई घर नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो यहाँ पर बाइक सीखने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ कोई एक्सीडेंट होने की चांस नहीं है। तो बाइक सीखने के लिए सबसे पहले हेमलेट लगा लें। तो हमने हेमलेट नहीं लगाया है, मैं तो सीखा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो हम हेमलेट नहीं लगाए, छोड़ दिए हेमलेट। तो आप ज़रूर हेमलेट लगाया करता फिर बाइक पे आप चढ़ें। तो हेमलेट लगा लें, उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, ये है इग्निशन स्विच, ये चाबी वाला जो स्विच है, ये इग्निशन स्विच है, इसको पहले हम ऑन करना होगा। इसको ऐसे ऑन कर दें, ऑन करने के बाद आपको देख सकते हैं कि मीटर पर लाइट जल जाएगा तो ये बाइक ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये होंडा का एसपी साइन 125 सीसी है, तो ये गाड़ी बहुत भारी गाड़ी है। अगर आपको पहली बार सीख रहे हैं तो हल्का गाड़ी लीजिए, जो आपके वजन में संभल में आ जाए, गिरे भी तो आप आसानी से संभाल पाए। अगर भारी गाड़ी लेते हैं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपको भी ले जाएगा, तो इसलिए हल्का गाड़ी लें। लेकिन हम सिखा रहे हैं तो ये होंडा का गाड़ी है, इसमें गियर थोड़ा अलग है, आगे एक न्यूट्रल लगता है, फिर एक ऊपर करेंगे, आगे पीछे एक करेंगे तो एक आगे एक नंबर लगेगा, फिर एक पीछे करेंगे तो न्यूट्रल लगेगा, उसके बाद पीछे चार गियर लगेगा, यानी पाँच गियर का ही गाड़ी है। अगर आप दूसरी गाड़ी लेते हैं हीरो होंडा का, तो उसमें आपको पीछे ही सारा गियर मिलेगा। और यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करना है, अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो यह इधर किक है, इधर किक ये स्टार्ट करना है। साइड में देख सकते हैं कि ये किक दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हम एक बार ऐसे किक मारेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सेल्फ का बटन है, हमारे दाहिने साइड हैंडल पे ये सेल्फ का बटन है, एक बार प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम इधर गियर लगाएंगे, इधर साइड आइए, इस होंडा के बाइक में आगे की तरफ एक नंबर लगता है और पीछे एक न्यूट्रल रहता है, तो हमारा न्यूट्रल है, आगे हम एक नंबर लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये जो हमारे बाएं साइड है हैंडल, ये क्लच लीवर है, इसको हम क्लच ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, अगर प्रेस बिना प्रेस किए हम गियर लगाते हैं तो गाड़ी अचानक भाग जाएगी, तो इसको प्रेस करना ज़रूरी है। इसको प्रेस करके फिर गियर लगाएं, ये एक नंबर लगाया, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये एक्सीलेटर का है, जैसे हम ये एक्सीलेटर दबाएंगे तो ये रेस बढ़ेगा और गाड़ी आगे भागेगा। तो थोड़ा सा हम एक्सीलेटर लेंगे और यहाँ से ये जो क्लच लीवर है इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, जब चालू हो जाए तो और जब रुकना है तो इधर देख सकते हैं कि किक तरफ जो ये किक है, इसी साइड ये ब्रेक का ब्रेक होल्डर दिया होता है, इसको प्रेस करेंगे तो ब्रेक दबाने के लिए सबसे पहले हम क्लच प्रेस करेंगे, क्लच को दबाएंगे, उसके बाद हम ब्रेक हैंडल को दबाएंगे, तो ऐसे दबाएंगे तो बाइक रुक जाएगा। अगर बिना क्लच दबाए हम ब्रेक दबाते हैं तो बाइक वहीं पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह बिना हेमलेट का बाइक आप नहीं चला पाएंगे, हेमलेट पहनना ज़रूरी है, कानूनी भी ज़रूरी है। आगे गियर लगाएंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे क्लच को हम पूरा छोड़ देंगे तो बाइक अपने रनिंग में आ जाएगा। और ब्रेक लगाने के लिए इधर देख सकते हैं कि क्लच हम प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक इसको दबाएंगे तो ये ब्रेक लग जाएगा, तो इस तरह बाइक चलाना आप सीख जाएंगे। आपको पता लग गया होगा कि कैसे बाइक को चलाया जाता है, सीखा जाता है। और यहाँ पे फील्ड देख सकते हैं कि चारों तरफ खुला जगह है,
यहाँ पे बाइक सीखना बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट करने की चांस नहीं है, यहाँ पे आसानी से सीख जाएंगे बाइक। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।